हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। शिक्षक भर्ती के जितने भी विज्ञापन जारी होते हैं, अभी सितंबर माह से लगातार वैकेंसी बड़े बड़े स्कूलों से आना स्टार्ट हो जाएगी। सरकारी जॉब के बारे में तो आप लोगों को बताया ही जाता है इस चैनल पर। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी जारी होती हैं, प्राइवेट वैकेंसी के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ काफ़ी अच्छा पे स्केल मिलता है। DPS से नया विज्ञापन जारी हुआ है टीचर वैकेंसी का। जो भी कैंडिडेट टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जिन्होंने NTT किया हुआ है, BEd, BTC, DEd, DLEd किया हुआ है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नोटिफिकेशन जारी होंगे शिक्षक भर्ती के किसी भी राज्य के, आप लोगों तक सूचना वीडियो के माध्यम से बिल्कुल दी जाएगी। अंतिम डेट से पहले आवेदन आप कर सकें, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है। साथ में नोटिफिकेशन देखने के लिए, खुद से पढ़ने के लिए कैसे आवेदन करना है, वीडियो आप अंत तक देखा करें, ताकि कोई भी जो है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके। यदि और भी कुछ रह जाता है तो स्कूल की वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप विज्ञापन को खुद से पढ़ें और अप्लाई कैसे करना है वो पूरा जानें। बाकी मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ क्वालिफ़िकेशन, एज, सैलरी और कैसे जो है इससे स्कूल में सिलेक्शन आपका होगा। पोस्ट की यदि हम बात करें तो प्री प्राइमरी, PRT, TGT, PGT, वेलनेस टीचर और इसके अलावा कंप्यूटर, म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट, डांस टीचर, लैंग्वेज टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। सैलरी तो थंबनेल में बिल्कुल आप लोगों को दिखाई दे रही है, नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है 7th के पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है पे स्केल रहने वाली है। साथ में जो है यहाँ पर PFDA, ग्रेजुएटी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रन, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पर रहने वाला है। तो बिल्कुल भी जो है यहाँ पर सैलरी को लेकर परेशान नहीं होना है। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी से वैकेंसी है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहले आपको विज्ञापन ही नजर आएगा अकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए। सितंबर माह से जो है बड़े स्कूलों से वैकेंसी आना स्टार्ट हो ही जाती है, क्योंकि नए सेशन के लिए जो है जो भी इनका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जैसा इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद जो है लिस्ट तैयार होगी, तो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अभी से जो है आप लोग बिल्कुल लगातार देखते रहें, बहुत सारे स्कूलों से वैकेंसी आएगी, जरूर फॉर्म अप्लाई करें। प्री प्राइमरी में यहाँ पर देखें ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा या डिग्री ECE का। PRT के लिए ग्रेजुएशन के साथ में BEd, सभी विषयों में वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट BTC, DEd, DLEd किए हैं तो वो केवल प्री प्राइमरी में आवेदन करेंगे। TGT के लिए ग्रेजुएशन के साथ में BEd, यहाँ पर जो है जो भी पोस्ट है सभी विषयों में वैकेंसी है, ठीक है। प्री प्राइमरी और PRT के लिए और TGT के लिए, सॉरी, प्री प्राइमरी और PRT के लिए कोई अनुभव नहीं मांग रहे हैं, लेकिन TGT और PGT के लिए जो है 3 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। TGT में ग्रेजुएशन के साथ में BEd होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहें। 6th to 10th पढ़ाने का आपके पास टीचिंग अनुभव 3 साल का। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट आपका किसी भी सब्जेक्ट में BEd या MEd आपका होना चाहिए, 3 साल का अनुभव आपका 11th-12th को पढ़ाने का रहा हो किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में। वेलनेस टीचर की जो वैकेंसी है तो इसमें मास्टर डिग्री आपकी साइकोलॉजी में होनी चाहिए, एक्सीलेंट विद कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और 2 साल का जो है इसमें अनुभव मांगा जा रहा है। तो आप देख लें जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, क्या आप एलिजिबल हैं। वेलनेस टीचर की वैकेंसी हमने देख ली। अदर देखें, कंप्यूटर टीचर की, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, लैंग्वेज टीचर, संस्कृत एंड फ्रेंच की, फिजिकल एजुकेशन, लैब असिस्टेंट, थिएटर एडमिन, अकाउंटेंट, स्टेट मैनेजर, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, IT मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, HR, PRO, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इन सब की वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर के लिए तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए या डांस के लिए भी। लैंग्वेज टीचर में जो है संस्कृत से जो है मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए VPED वाले अप्लाई करेंगे। 12th पास कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर BSc आपने किया है तो लैब असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पे स्केल एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन, काफ़ी अच्छा सैलरी जो है आपको इसमें रहने वाली है और साथ में जो है आपको और भी चीज़ें ऑफर्ड की जा रही हैं, जैसे कि PF है, DA है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा। साथ में जो है 2 बच्चों की फ्री एजुकेशन भी इसमें रहने वाली है। फॉर्म आर अवेलेबल ऑन DPS वाराणसी ऑफिशियल वेबसाइट।
वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और ये एड्रेस है स्कूल का। स्कूल के बारे में जान सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर जो भी कैंडिडेट वाराणसी से हैं तो स्कूल में जाकर सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 सितंबर 2024, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, फ़िलहाल हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देख रहे हैं। यहाँ क्रॉस कर देंगे क्योंकि इन्होंने लिखा है यहाँ पर फॉर्म आर अवेलेबल ऑन DPS वाराणसी ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसे ही आपने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है इसको क्रॉस कर देंगे और बिल्कुल नीचे चले आना है, बिल्कुल नीचे चले आना है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपको करियर सेक्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। इस पर आप क्लिक कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपने पढ़ ही लिया है। सिलेक्ट ब्रांच, इनकी कई ब्रांच हैं, जैसे कि वाराणसी में है, नासिक में है, और नागपुर लावा में है, हिंजवाड़ी में है, ठीक है। फिलहाल वैकेंसी वाराणसी की है, और भी वैकेंसी आएगी अगर इन स्कूलों की आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से। वाराणसी पर क्लिक कर लेंगे। अब ये पेज ओपन हो गया है, यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसे आप पूरा पढ़ लेंगे। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, फिर भी आप पढ़ेंगे क्योंकि आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप जाने के लिए आई हैव रीड एंड एग्री टू अवॉइड बाय द इंस्ट्रक्शन, आपने ये सारा पढ़ लिया है तो एग्री आप इस पर जो है क्लिक कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। नेक्स्ट, ये आपके पास फॉर्म आ चुका है, ठीक है। ये पूरा फिल करते जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगेंगे, जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है उन पर तो आपको डालना ही है, जिनमें नहीं मांगा गया है जैसे प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लिए नहीं मांगा गया है तो उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं फिल करना है, लास्ट में कंप्लीट, ठीक है। और इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा ताकि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकें। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन को ही पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको आप पढ़ेंगे बहुत ही सावधानी से। तो और भी राज्यों की वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आप लोगों को बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो, और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी भी कारणवश से आपको सूचना नहीं मिलती है कि आज जो है वीडियो डाला गया है आप लोगों तक सूचना नहीं आई है तो चैनल पर आप विज़िट करें और लेटेस्ट जो वीडियो है उन पर देखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।